एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शाहपुर थाने का छमाही निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शाहपुर थाने का छमाही निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान थाने का रखरखाव, मालखाना, साफ सफाई, बैरक, रजिस्टर के रखरखाव का निरीक्षण किया गया। थाने के बैरक, भोजनालय में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मालखाने के रखरखाव व मॉडर्न बनाने के लिए थानाध्यक्ष को प्रपोजल बनाकर भेजने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसको जल्द ही मॉडर्न बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है, महिला सुरक्षा दल महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा, कुछ लोग गैर जनपद ट्रांसफर होने के बावजूद आवास में कब्जा जमाए हुए हैं, जिसको खाली करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, तैयार है वाले अट्ठासी का क्यों पड़ा है? ने चेक किया, वो मुकदमा अभी भी चल रहा है सर। चेक किया सर। कौन से कोर्ट में? यही गोरखपुर सर। कोई तो कोई कोर्ट होगा ना, अट्ठासी का मुकदमा हो नहीं सकता, पेंडिंग पेंडिंग चल रहा है सर। ऐसा करो, एक रुंदी जितने भी बेस्कारों से 2000 से पुराने जितने के भी हैं, एक बार माल चेक करवा लो। हो सकता है वहाँ पे केस डिस्पोज हो गया हो। जी जी सर। और यहाँ पे अभी पेंडिंग चल रहा हो। एक्सेल सीट में जब वो मैंने करवाया था तो सभी एक्सेल सीट में चढ़ गया सब। हाँ, तो नहीं, अब उस टीम को आगे बढ़ाएंगे, तो एक स्टेप हुआ है, दूसरा स्टेप भी करवाना है। एक इनका 88 से लेके 2000 तक के सारे माल का लिस्ट निकाल के ये कोर्ट से सत्यापित करवाएंगे, बच्चा फैसला से। ठीक है, बच्चा फैसला से कि अभी तक क्या ये पिछले 12 सबसे पुराना माल 1988 का है। ये सर जन सुनवाई अधिकारी है सर, और ये आप
रजिस्टर तो हम लोग का पहले से ही बना था सर। पहले बताओ महिला सुरक्षा दल की जाँच कराई आप? महिला सुरक्षा दल से हमने जांच कराई, डेली पर डे हम लोग जाँच करवा रहे हैं। हाँ लिखा है उसमें, इसमें से भी तो देते हो ना, यहाँ पे भी आती है महिला। मेन महिलाओं का उस पर चढ़ता है, तो अगर महिला संबंधी है तो उस पर चढ़ता है। जो वहाँ से बाहर से आता है, ऑफिस से आता है, ये भी दे रहे हैं जी सर। मेरा नंबर ऐसा हुआ है या फिर आप ही करवा रहे हैं? मैं तो इसके पहले भी उस थाने पर करवा रहा हूँ, हर थाने पर ऐसा हुआ है। बिना मई माँ का दिखाओ जिसमें महिला नहीं मैम का कहाँ आराम से ये 889 रुपये में शुरू किया गया था। डेली 250 ऐसी लगवाई है और बढ़िया। आप लोग खुश हो ऐसी लगाने से? ये तो अच्छा है, रजिस्टर रखने का तरीका ठीक है इनका, अभी और अच्छा होगा सर। और ये मतलब 10-15 दिन बाद एकदम राजगढ़ है ये जी सर? ये मोहला वगैरह की सूची तो लगी है जी सर। एच एस का जो है ये इतने बहुत कम वाले एच एस लिखे हैं ये, इस मोहल्ले में जो एच एस नहीं है, जो अपडेटेड नहीं है ये। नहीं सर, जिस मोहल्ले में जो एच एस है सर, उस एच एस का नाम लिखा होगा। वो तो है, क्योंकि बाहर बाहर एक लगी थी बोर्ड, उसको नया कराना है, अपडेट करवाओ जी। जी एच एस वाली सूची जो है सर, जो लोग फ्लाई सीट टाइप के रूप में लगी है जी, उसको अपडेट करवाइए सर। ठीक है, पहले रजिस्टर इनसे मंगवा लो। कौन कौन से रजिस्टर मंगवाओ? रजिस्टर नंबर 4 दोनों के हो गए। सारे आप देखती हैं, अकेले बिल करती हैं, कितने पेंडिंग है डिफॉल्टर, कितने आपको बिल लगे? डिफॉल्टर क्या था वो? डिफॉल्टर क्यों होगा? आपका काम डेडिकेटेड रखा है, सिर्फ यही काम करना और कुछ नहीं है ना? रखा भी है, वो भी बैकअप देता है, वो भी है। दो लोग सिर्फ आई जी आर एस देखते हैं? हाँ, वो मतलब रात में नाइट भी करता है। हाँ, सुबह आई जी आर एस देखता है, ये आई जी आर एस डिफॉल्टर है तो नहीं होना चाहिए मैडम डिफॉल्टर। इतना नीचे से तुड़वाना है तो भाई जी बैठिए मैडम। महिला सुरक्षा दल ने कोई जांच की हो दिखाओ मुझे कोई। बाकी जो रजिस्टर है
इसमें क्या चीज़ एंट्री करती हैं आप? सर इसमें जो एप्लीकेशन आती है उनकी एंट्री करते हैं। तो आप ये नहीं लिखती हैं कि कार्रवाई क्या हुई? नहीं सर, लिखा जाता है। कार्रवाई पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना जरा। एप्लीकेशन आई हुई है अभी, अर्लियर है उनका। मैं कह रहा हूँ ऐसा मुझे बताओ जिसके अंदर महिला सुरक्षा दल जाँच करने गया था, इसे देख के बता दो। महिला सुरक्षा दल का हेलमेट अपना लगा लो, हेलमेट लगा वाली है, देखो परेशान किया कि लड़के ने बना नहीं पाया। स्कूल जब छुट्टी होता है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? सब जाते हैं, जैसे जिस स्कूल से कंप्लेन आते हैं, जैसे डिवाइन में आए थे बच्चे वाले, तो वहाँ जाने गए थे हम लोग एक हफ्ता। वहाँ की जैसे छुट्टी होती थी जाते थे, तो मैं एक सेंट मैरिज स्कूल है, वहाँ की कंप्लेन नहीं होती है। ये सर कोई जाती है समझिए अपनी, जैसे की घर की कोई बहन बेटी होती है उसमें जाती है, उसको कोई कैसा कैसा लगता है? आप हैं, आपके साथ और कौन है? चलता है आपके वोटर वोटर और उसको क्या कहा है? डेली दस्ता क्या काम करती है? डेली दस्ता नहीं करता सर, दस करता स्कूल वगैरह बच्चों को। इसमें सर ऊपर वाले उम्र पर आते हैं सर, उमेर सीओ पेशी में सर, अपने सीओ पर उसके ऊपर सर, और उसके पेशी में एक वो रहते हैं सर एस एस आई कोतवाली है, वो सर खाली हुआ अभी अभी राम प्रवेश साहब के पास। ये राम आशीष क्या है सर? राम आशीष ने खाली कर दिया था, जो हमारा जांच अधिकारी है राम आशीष इंस्पेक्टर, खाली कर दिया था। ये वाला ये वही वाला जो पास चाबी साहब के बगल में महाराज जी बड़ी इनका बेस्ट बताइए। हम लोग खाली कर गए हैं और रिकवरी के लिए रो रहे हैं बस, आते डेली मिला है। क्या मैडम कब से ट्रांसफ़र हुए हैं ये महाराजगंज? कम से कम हो गए होंगे 5-6 साल? नहीं तो खाली कर दीजिए, फिर हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा सैलरी से। एक एक दाना सर, बड़ी सर। ठीक है मैडम, बढ़िया सवाल। आप
पास कौन कौन सी वो है बुलेट है? बुलेट ने बारूद यूज किया था उसके मूवमेंट के लिए। इट्स ऑल अबाउट लीथल एंड नॉन लीथल। उससे जो भी फायर करेंगे आप उससे इंसान की जान जाएगी, ठीक है? दैट इज एम्यूनेशन। एमओ इज दैट इज ओनली फॉर किलिंग, इंसान को मारने के लिए। दिस इज एम्यूनेशन में इतना ही फर्क है, उनको क्राउड कंट्रोल, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इससे इंसान मारना नहीं है, इनको डिस्पर्स करना। एम्यूनेशन जितना भी है वो अलग फैक्ट्री बनाती है, एम्यूनेशन फैक्ट्री टेकन फोर में। वो सिर्फ और सिर्फ म्यूनिशन बनाएगी, एम्यूनिशन नहीं बनाती है, ठीक है? किसी प्रकार का म्यूनिशन हो, TSM हो सकता है, जितना भी है, कई प्रकार के TSM हैं। थाना शाहपुर में आज 6 मासीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाने के सारे रखरखाव, सारा मालखाना, भवन, बैरक, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया। बैरक में, भोजनालय में सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए SHO को निर्देशित किया गया है। SHO द्वारा मालखाने के रखरखाव में भी उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा है, उसको भी मॉडर्न बनाया जाएगा। बाकी थाने की रखरखाव एवं कागजों की प्रणाली जो भी है वो भी बहुत अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहपुर थाना इसी तरीके से लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। महिला सुरक्षा दल जो है वो तत्परता से महिलाओं की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करता आ रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि महिला सुरक्षा दस्ता द्वारा 24 आवर्स में ही जितनी भी समस्याएं उनका निस्तारण किया जा रहा है। सभी दरोगाओं से भी पिस्टल खुलवाना, जुड़वाना, इसी तरह के अपने असले वगैरह हैं उन सब की जानकारी ली गई है, सभी की इनको जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है गोरखपुर पुलिस इसी तरीके से अपना काम करते हुए प्रणता के साथ आगे बढ़ती रहे। अन्य गैर जनपद जाने के बावजूद, ट्रांसफ़र होने के बावजूद कुछ आवास कब्जाए गए हैं, उनमें से 5-6 लोगों को ऑलरेडी रिकवरी इनकी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो खाली नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके लाइट पानी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे एवं और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।